Hello everyone, so this is Saili Kamre Patil and he is my husband. So हम लोग आए हैं गोवा और हम लोग बहुत 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 ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं. पर आज मैं जिस जगह पे आई हूँ वो अब तक मैं जहाँ जहाँ गई उसमें सबसे प्यारी जगह है, तो मुझे लगा कि आप सबको वो जगह दिखानी चाहिए. और वो है बटरफ्लाई बीच. इतना सुंदर जगह कि आप सबको इधर एक बार तो आना ही चाहिए. मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये. और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग आज क्या क्या करेंगे. हम यहाँ पे एक टपरी जैसा था तो वहाँ पे फ्राइड राइस खाया और अभी हम लोग बीच पे जा रहे हैं. हम और हमारे और दो फ्रेंड्स आए हैं, तो हम सब लोग चार लोग, हम लोगों ने इधर एक कार हायर की है और अब हम लोग जा रहे हैं. ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये रास्ता बहुत प्यारा है. सी ये है रास्ता और ये रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. मतलब यहाँ पे ना और बहुत पानी जमा हुआ है बिकॉज बारिश हो रही है. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये व्लॉग बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पर ये जगह इतनी ज़्यादा प्रिटी है तो मुझे लगा कि आप सबको ये जगह डेफिनेटली देखनी चाहिए. ये संभव है ना बड़ा, तो मुझे लगा कि आप सबको ये जगह देखनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ. तो दिस इज़ माई फर्स्ट पर्सनल व्लॉग. मैंने अब तक जो भी किया है वो काम से रिलेटेड सब, यू नो, शूट पे क्या होता है, शोज में क्या होता है, ऐसे सब चीज़ें बनाई हैं. पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ बना रही हूँ. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज. इतनी सुंदर है. मतलब ये जगह पे आने का जो रास्ता था वो भी बहुत ज़्यादा छोटा था. मैं एक्चुअली डर गई थी कि हमारी कार को क्या होगा. तो ये इतनी प्रिटी जगह है कि यहाँ पे आना वर्थ है. मतलब हम लोग नॉर्थ गोवा में बहुत सारी जगह पे जाके आए, पर ये जगह इतनी सुंदर है कि सब लोगों को इस जगह पे आना चाहिए. तो आप कभी भी गोवा आओ, बटरफ्लाई बीच आना ही है, लाइक फॉर श्योर. कि मैं दिखाऊंगी आपको मदन ओरा जो शर्मा रहा है और छाता लेके जा रहा है बिकॉज उसको बीमार नहीं पड़ना है और उसको दो दिन बाद काम पे जाना है. हम लोग पूरा बारिश हो रही है ऐसे सीजन में आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे सब पानी जमा है. पर इसका भी एक एक्चुअली अलग मज़ा है, एडवेंचरस, बिकॉज मुझे ट्रैक पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक है. पर सब शूट्स एंड ऑल इस सब चीज़ों के वैसे उतना टाइम नहीं मिलता कि दोस्तों के साथ ट्रैक पे जाए, तो इसीलिए आज जो मेरा यहाँ पे जर्नी हो रही है वो सबसे बेस्ट लग रही है मुझे. और मैं आपको दिखाना चाहूँगी आज वो जो है वो हमारे दोस्त है श्वेता और जयेश. जयेश इज धवल्स फ्रेंड और वो उसकी वाइफ है. उनका भी नया शादी हुआ है तो हम चारों साथ में घूमने आए फर्स्ट टाइम. कैसा है, भारी है? आला ना आवाज समुद्र का. आम्हाला समुद्राचा आवाज येतोय, मतलब हमें समंदरचा आवाज आ रहा है और थोड़ा समंदर का वास स्मेल भी आ रहा है. तो हमें लग रहा है हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए और इधर थोड़ा सा हमें रेती भी दिख रही. तो वी आर ऑलमोस्ट देयर. श्वेता चल देखो हमारी लव बर्ड. नाही 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 म्हणते मुर्गी आमच्या घरी लागल्या. मुंबई से बाहर निकल के अपने काम से छुट्टी लेके हमें एटलीस्ट एक दो दिन ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ सिर्फ नेचर है और हम है, बस नथिंग एल्स. ये रास्ता देखो, एक ही आदमी जा सकता है यहाँ से, ऐसा इतना छोटा रास्ता है. Oh God.
आणि हा माझा नवरा. ओ गॉड हँडसमनेस. और ये देखो दिस इज द बीच. काय वाटतंय ना यार. आई ग इतना छोटा सा है पर इतना प्यारा है. भारी वाटतंय यार पण आमको खूप मोठी लाट आहे. ओ देवा नाही छोटीच आहे. मम्मी पानी पी रहे बिकॉज ये लोग थक गए और घर को पता नहीं है. मैं वीडियो निकाल रही हूँ उसको लग रहा है मैं फोटो निकाल रही हूँ. अभी हमारा यहाँ पे बीच में मज़ा करके हो गया. हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज भी निकाले बहुत 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 सारे और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया. पानी में भी गए पूरा भीग गए ऑलमोस्ट. और अभी बारिश भी रुक गया और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं. अभी हम लोग काबोजी रामा. Oh my God, sorry. I don't. मैं सच बताऊँ तो आइडल और सुपरस्टार सिंगर का इतना ज़्यादा पावर है और उन लोगों ने हमें इतना ज़्यादा मतलब उन शोज की वजह से हमें इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि लिटरली हम लोग जंगल में जाए कहीं पे भी जाए लोग पहचानते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं. तो थैंक यू आप सबको जो आप सब हमें हमेशा इतना ज़्यादा प्यार देते हैं. और थैंक यू टू माई वीडियोग्राफर जो आज मेरे इतने ज़्यादा वीडियोज ले रहा है. ऐसा पीछे पीछे देख के चल रहा है वो गिर भी सकता है पर फिर भी ले रहा है. ओके अभी हम लोग चल रहे हैं फटाफट फटाफट ताकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगे. हम सब लोग को फटाफट जाके खाना खाएंगे तुरंत. अभी हम लोग निकल गए बटरफ्लाई बीच से. एक्चुअली हम लोग उधर ही खाना खाने वाले थे फिर हमारे जो जयेश भाऊजी है उन्होंने बोला कि काबोजी रामा जाके खाना खाते हैं. तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए. अभी हम लोग जाएंगे काबोजी रामा. वो देखो उधर मोर है आपको अगर दिख रहा होगा तो. यार कसला भारी वाटता है. ओ देवा चला गया अंदर. फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हम लोग आए हैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने. इस यहाँ सामने ये समंदर है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. ये बहुत ज़्यादा खा जो दिख रहा है वहाँ जा रहे हैं खूब जस्त. प्लेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एक्चुअली इट इज. हां वन अभी प्रॉन्स और चिकन खाया था और अभी हम लोग यहाँ पे नया फिश ट्राई कर रहे हैं. ठीक है जो आपको देखना बहुत जरूरी है बहुत इतना मस्त लग रहा है. कुछ ऐसे दिखता है बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है और एक मस्ट खाना तो सबसे बेस्ट खाया. अब मैं उस जगह पे जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है झूला. और प्लीज़ आप साउथ गोवा में हैं तो सदर्न टेक ज़रूर आइए. मतलब ये बहुत सुंदर जगह है. इधर बाजू में ही बीच है मतलब बीच के लग के जगह है. और खाना खाना सर्विस एम्बियंस म्यूज़िक एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. बारिश होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आया. तो अगर आप सीज़न में आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. अभी यहाँ से जा रहे हैं. एक्चुअली हम लोग चार दिन गोवा में थे पर मैंने एकदम लास्ट दिन पे तय किया कि चलो कुछ बनाते हैं. अभी यहाँ से जाएंगे कल सुबह की हमारी फ्लाइट है. तो